तो हे फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ मस्त एकदम बिंदास होंगे। एक सेकंड को यार, बच्चे हैं ना, जिनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनका घर तो कभी साफ सुथरा रह ही नहीं सकता। सही बोल रही हूँ ना मैं? कोल्ड ड्रिंक लेकर आएंगे बॉटल से निकाल के, फिर उन्हें ग्लासों में डाल के पियेंगे। अभी आप लोगों से बात करती हूँ एक सेकंड, क्योंकि मैं ना अपनी एक दो रील्स बना रही थी, साफ करके गई थी, फिर बच्चों ने गंदा कर दिया। जो तो जिनके घर छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके घर ऐसा ही रहता है भाई। तो आप लोग भी जान रहे होंगे कि एक सेकंड, तो आप लोगों से बात करते हैं, तो आप लोग भी सोच रहे होंगे ना कि दो तीन दिन हो गए कोई व्लॉग नहीं आया, कुछ नहीं आया, और क्यों नहीं व्लॉगिंग हो रही है। तो व्लॉगिंग का मेन रीज़न ये है कि मैं अभी ऐसा कुछ स्पेशल है नहीं व्लॉगिंग के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए। तो अभी फ़िलहाल तो मुझे कपड़े धोने जाना है ऊपर। मशीन लगाऊंगी, क्योंकि कपड़े हो गए हैं, दो तीन दिन के कपड़े हो गए हैं बच्चों के ना कपड़े, जीन्स वगैरह हैं तो वो भी धोनी है, और इनके ना सैंडो बलियान वगैरह भी, वो भी धोनी है। तो मैंने सोचा था दो तीन दिन के कपड़े जब हो जाएंगे तभी मैं एक साथ कपड़े धो लूँगी। तो मैं सोच रही हूँ कि हस्बैंड ड्यूटी चले गए हैं, बच्चे तो अपना खेलने में लग रहे हैं, अभी जस्ट गए हैं, उनको थोड़ी देर बाद पढ़ने बिठाऊँगी, और इसलिए मैंने सोचा चलो कपड़े धो लेते हैं, ऊपर चलते हैं। वैसे मैं कल से ऊपर भी नहीं गई हूँ बाथरूम में। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये पड़े हुए बाल्टी भरे हुए कपड़े और ऊपर भी हैं, तो इनको अभी लेके जाएंगे ऊपर, थोड़ा सा सर्फ निकाल लेती हूँ। और कल है ना, कल पता है 8 से 9 बंदर थे ऊपर छत पर, है ना, 8 से 9 बंदर थे। मैं सर्फ को ना थोड़ा सा इसमें डाल के ले जाऊंगी। सर्फ लेके जाऊंगी बाथरूम, तो मैंने क्लीन कर दिया था, और क्लीन क्या यार, चलता ही रहता है यहाँ पर, तो क्लीनिंग व्लीनिंग ना, क्योंकि गंदा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वाइट वाइट फ्लोर है वैसे भी, तो इसको एकदम क्लीन होना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए। और मेरी अभी निगाह पड़ गई फ्रिज के पीछे, तो मुझे लग रहा है कि उसका तार वायर निकाल के ही फ्रिज के पीछे है, थोड़ा सा जो स्पेस होता है वहाँ पर थोड़ा सा डस्ट पड़ा हुआ है, उसको भी मैं क्लीन करूँगी, वायर निकाल के करना पड़ेगा, वरना करंट वगैरह लग गया तो ये लो। और टीवी पैनल पे तो मैं वैसे रोज़ कपड़ा मारती हूँ, क्योंकि ना डस्ट आती है यहाँ से। वैसे तो विंडो हम खोलते नहीं हैं, बहुत कम खोलते हैं विंडो। मैं सोच रही हूँ ये वाली बेडशीट भी ले लूँ, क्योंकि गंदी तो हो ही रही है, तो ये बेडशीट भी धुल जाएगी। तो ऊपर चलते हैं, फिर आप लोगों से मिलती हूँ, बेडशीट वगैरह निकाल लेती हूँ, इस पर दूसरी बेडशीट बिछा देती हूँ। तो एक सेकंड रुको, मैं ना फ़ोन को ना ट्राईपॉड पे लगा। कमरे की बेडशीट मैंने बिछा दी है, अब चलते हैं दूसरे कमरे में, इस वाले कमरे में, और ये वाली बेडशीट भी धो दूंगी। जब धो रहे हैं तो यार एक ही बारी में धो दो ना, तो ये भी हटा देती हूँ बेडशीट।
मैंने बिछा दी है बच्चों के हिसाब से कार्टून वाली। ठीक है, अब चलेंगे ऊपर कपड़े धोने। तो फ्रेंड्स मैं ऊपर कपड़े धोने तो जा रही हूँ, पर मैंने सोचा पहले ना दाल बना लेते हैं। पतिदेव आएंगे तो इससे अच्छा है दाल बना के आटा गूंद के रख लो, फिर अपने कपड़े धोते रहो, पर टेंशन नहीं है। तो दाल बना लेती हूँ, दाल बनने रख देती हूँ, आटा गूंद देती हूँ, उसके बाद ऊपर कपड़े धोने चलेंगे। ठीक है, तो चलो मैं दाल बना लेती हूँ। तो दाल बनने मैंने रख दिया, आटा मैंने गूंद लिया है और तड़का भी लगा दूंगी। और यहाँ पर मैंने निकाल लिए हैं ऊपर जाने के लिए कपड़े, थोड़ा सा सर्फ निकाल लिया है, क्योंकि मतलब कपड़े भी धोने हैं 3-4 दिन के हैं बच्चों के ना, जींस वगैरह जो उनकी फेवरेट जींस वगैरह वो नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कि कपड़े धो देते हैं क्योंकि ना काम हो जाए तो ठीक है। और यहाँ पर सीटी भी आने लगी है क्योंकि दाल बहुत जल्दी बन जाती है, और मतलब दाल बनाई भी नहीं थी, आलू और ये सब चीज़ें खा रहे थे कड़ी वड़ी, तो दाल बना लेंगे। और चावल तो 2 दिन से बना रही हूँ तो चावल नहीं बनाऊँगी। तो यहाँ पर है ना मैं गेटों को बंद करके जाऊँगी, क्योंकि पता है यहाँ पर ना 7 से 8 बंदरों का झुंड है। कल तो मैं जस्ट ऐसे ही अचानक विंडो पे खड़ी हुई थी तो वहाँ पर बंदर दिखाई दिए, और बंदर पूरी ऊपर वाली छत पर ही बैठा हुआ था। तो मैंने कहा यार जब वो ऊपर वाली छत पर बैठ सकता है तो नीचे फ्लोर में आने में क्या दिक्कत है उसे, तो सब और गेट खुले मिलेंगे तो आराम से पूरी जनता पार्टी अंदर आ जाएगी। तो मैंने सोचा चलो ऊपर चलते हैं, तो सबसे पहले सेफ्टी कर लेते हैं, गेटों को बंद कर देते हैं, और उसके बाद ऊपर जा रही हूँ कपड़े धो लेंगे। चलो फ्रेंड्स, दाल बन गई, आटा गूंद दिया, लाइटें सारी ऑफ कर दी, और अब ये कपड़े ले लिए और अब चलते हैं ऊपर कपड़े धोने के लिए। ठीक है, तो चलो चलते हैं ऊपर। अरे भाई कितनी गर्मी है और कितनी धूप है। और पानी ऐसा गर्म हो रहा है जैसे गीजर का होता है ना, एकदम गर्म, ठंडा मिलाते हैं, ठंडा मिलाने से पहले जो गर्म होता है ऐसा हो रहा है पानी, एकदम गर्म। बहुत धूप हो रही है, कुछ ज़्यादा तेज़ हो रही है, इस धूप में कोई खड़ा नहीं हो सकता, इतनी तेज़ धूप हो रही है। और कपड़े एक बार के धुल गए हैं, एक बार के रह गए हैं, बस ज़्यादा कपड़े थे नहीं, कपड़े धुल रहे हैं। और धूप बहुत ज़्यादा, कुछ ज़्यादा ही हो रही है यार। और है ना इस कमरे में मैं रह रही थी ना, तो इसमें अलमारी है मेरी शादी की है, और ये ट्रॉली हमने खरीदी थी तो इसको ऊपर ही छोड़ देंगे। और
इसमें थोड़ा बहुत सामान रह गया है, वो भी मुझे नीचे लेके जाना है। थोड़े बहुत कपड़े वगैरह रह गए हैं, वो भी ऊपर लेके और सारे नीचे लेके जाएंगे। सोच रही हूँ कागज वागज जो भी है ना वो सब लेके जाऊँ मैं। वैसे तो ज़्यादा कपड़े थे नहीं, मतलब थे तो लेकिन इतने ज़्यादा भी नहीं थे, तो दो बार में ही कपड़े हो गए थे। और यहाँ पर ना मैं दरी बिछा के छोटे छोटे कपड़े डाल दूँगी, धूप इतनी तेज़ है कि डालते डालते ही कपड़े सूख जाएंगे। और ना छत पे मशीन रखने का मेन रीज़न यही है कि अभी यहाँ पर रेंट पर कोई आया नहीं है, ये तो अपना ही है, लेकिन मेरे को लगा कि छत है तो छत पर ही रख लेते हैं मशीन को, और नीचे तो गंदगी हो जाएगी। जब तक चल रही है गाड़ी तब तक चला रहे हैं, अगर कोई आ गया यहाँ ऊपर रहने के लिए तो मशीन को मैं नीचे रख लूँगी या फिर देखते हैं कैसे क्या करते हैं। और धूप इतनी तेज़ थी फ्रेंड्स कि मतलब 7 बजे धूप इतनी तेज़ निकल जाती है, लेकिन मैंने आलस बिल्कुल भी नहीं किया। ये 11:30-12 का टाइम है, मैंने कहा नहीं यार कपड़े मैं धो लूँगी क्योंकि फ्री टाइम है, क्योंकि 15-20 घंटा में कपड़े धुल जाएंगे और उसके बाद खाना वाना पति देव आ जाएंगे तो खाना वाना दे दूँगी, उसके बाद आराम से मैं आराम कर लूँगी क्योंकि यही टाइम होता है। और बस गर्मी तो अभी से इतनी स्टार्ट हो गई है ना, मतलब क्या बोले, ऐसा मन करता है कि कहीं ठंडी सी जगह में चले जाएं, रिलैक्स करें, आराम से रहें। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आ रही हो ना तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे। मैंने एक्चुअली व्लॉग तो स्टार्ट कर ही दिया है, लेकिन मैं, पता है, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ना मैं जब खाना बना रही थी ना, दाल बनाई थी और मैंने जब आरव के डैडी को दी, नक्श ने खाई तो आरव ने नहीं खाई। बच्चों का होता है ना कि कभी मूड होता है कभी नहीं होता है, तो ऐसा था कि उसने उस टाइम पर नहीं खाई, खाना नहीं खाया और उसने मैंगो शेक वगैरह पी लिया था। उसके बाद उसने बोला, मैं सारे वारे काम वाम करने के बाद मैं अपने बिस्तर में लेटी, मैंने कहा चल आराम कर लेते दोपहर में, तो उसने बोला कि मेरे को खीरा काट दो मुझे भूख लग रही है। मैंने कहा तूने खाना क्यों नहीं खाया, अब खा ले, बना देती हूँ। कह रहा नहीं मुझे नहीं खाना है। और फिर उसने खीरा कट करवाया, खीरा खाया, फिर उसके बाद रूप जानवाया, मतलब उसको भूख लग रही थी, मतलब खाना नहीं है भूख लग रही है लेकिन रोटी नहीं खानी है। और माँ का दिल कैसा होता है, मैं लेट तो गई हूँ बिस्तर पे पर मुझे ये लग रहा है कि इसको भूख लग रही है, इसको भूख लग रही है। हालाँकि आधा घंटा मैं लेट भी गई, आधा घंटे बाद जब मेरी आँख खुली ना फिर मुझे ये लग रहा, मुझे मतलब ये लग रहा खुद से कि यार इसको भूख लग रही है। तो मैं उठी, मैंने बोला कि पकौड़ी बना दूँ तेरे लिए, क्योंकि रोटी उसको खाने का मन नहीं था, मैं वो बेसन रखा हुआ था, आलू है ही। मैंने बोला पकौड़ी बना दो तेरे लिए, तो बोला कि बना दो। और जब मैंने पकौड़ी पतले पतले आलू काट के पकौड़ी बना दी, उस पर चाट मसाला डाल दिया और केचप के साथ दे दी, तो उसने पेट भर के खा ली। फिर उसके बाद नक्श भी अपना आ गया और नक्श बोला मम्मी मुझे भी भूख लग रही है। तो ऐसा होता है माँ का दिल, मतलब जब तक बच्चा भूखा है ना माँ को चैन आएगा ही नहीं। तो अभी दोनों जस्ट अभी खा कर गए हैं, आरव और नक्श। और मेरी एक आदत ऐसी हो गई है, आदत तो शुरू से ही मेरी ऐसी है कि हैंड टू हैंड बर्तन धो देती हूँ मैं कभी भी सिंक में बर्तन रखती नहीं हूँ, हमेशा हैंड टू हैंड। हाँ, इनका सुखाने के लिए छोड़ देती हूँ ताकि इनका पानी निकल जाए और उसके बाद में मतलब अपने इसमें रैक वगैरह में इन्हें लगा देती हूँ बर्तनों के इसमें। और अब मेरा, मैंने जब बच्चों के लिए बनाया था तो मेरा भी मन हो गया यार कि चाय का टाइम तो हो गया, 5 बज रहे हैं वैसे, तो मैंने भी अपने प्याज की पकौड़ी, चाय और थोड़ी सी चटनी बना ली है ना। तो अभी इसको इंजॉय करते हैं और ठंडी हो जाएगी, तो मैंने सोचा चलो व्लॉग तो स्टार्ट है तो आप लोगों को भी दिखा देती हूँ, बैक कैमरे से दिखा दो कितना खा के मैं मिलती हूँ। फिर मुझे झाड़ू वगैरह भी लगानी है, फिर झाड़ू लगाती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि फ्लोर थोड़ा सा मतलब वाइट है ना, तो मैं पोंछा भी लगा लेती हूँ, सरफ का कपड़ा मार देती हूँ। फिर उसके बाद पूजा वगैरह भी करनी है,
ऐसे मेरा रूटीन रहता है। छोटे बच्चों के साथ तो ना पूरे दिन रूटीन ऐसा ही चलता रहता है। चलो इसे खा लेते हैं, ठीक है, फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से। और चाय वाय पीने के बाद मैंने झाड़ू लगा दी थी, तो मैं यहाँ पर पोछा लगा रही हूँ। मैंने ना थोड़ा सा सर्फ डाल दिया था, और आप बोलोगे ना इस तरीके से पोछा लगा रही है, क्योंकि ना मैं सोच रही हूँ मॉप वाला पोछा ले लूँ, क्योंकि फ्लोर बहुत ज़्यादा हो जाता है और फिर रूम वगैरह भी है तो पोछा लगता नहीं है। और मेरे जो मैंने जो पैंट पहन रखी थी ना, वो भी थोड़ी सी एकदम फिटिंग की थी ना, तो ये था तो मेरे से लग नहीं रहा था। मैं मॉप वाला पोछा ही लेकर आऊँगी, और ना जब तक झाड़ू लगा लूँ और पोछा ना लगाऊँ ना, मुझे मज़ा नहीं आता बिल्कुल भी। फिर नहा दो के मेरे को पूजा भी करनी है, तो यहाँ पर मेरा झाड़ू पोछा हो गया है। तो फ्रेंड्स ये हो गया है, रात का टाइम 7:30 हो गए हैं। मैं नहा ली हूँ, मैंने जोत भी जला दी है वहाँ पर, और यहाँ से जो कपड़े धोए थे ना वो मैं लेकर आ गई हूँ, इनको तय कर रही हूँ। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आज का रूटीन सुबह से लेके रात ही होने वाली है, 7:45 हो रहे हैं, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, एंड आप लोगों को मेरे डेली व्लॉग कैसे लग रहे हैं, या फिर मैं डेली व्लॉगिंग करूँ या नहीं करूँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू।